क्या हो गया? अरे तुम्हें क्या लेने देना, तुम्हें क्या लेने देना है? देखो बहुत शॉर्ट बोलेंगे, जो पूछ रहे हैं पूछ लो। सर इंडिया गठबंधन की बैठक कल होने वाली है, क्या कुछ रहेगा, कौन कौन से आप क्या शामिल हो रहे हैं? पार्टी तय करेगी और जो लग रहा है हाल में ही जो चुनाव के परिणाम आए हैं इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। कहा जा रहा है कि आप वो नीतीश कुमार जी इसमें शामिल नहीं, ममता जी की भी, तो शायद इसको रीशेड्यूल किया जाएगा, पोस्टपोन भी किया जा सकता है मीटिंग को कल वाली जो हो रही थी इंडिया गठबंधन की। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैंने आपसे अभी कहा फिर कहता हूं कि जो परिणाम आए हैं आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है और मध्य प्रदेश के अलावा, मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रहीं, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था, लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं जनता परिवर्तन चाहती है। तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में है उनसे जनता नाराज है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा, तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं, कल उन्होंने अपने सेशन में भी, विंटर पार्लियामेंट में भी कहा कि ये जो जनता है 2024 में फिर से सरकार बनाएगी, और उन्होंने आज सुबह ट्वीट किया है कि जो साउथ और नॉर्थ का डिवाइड कर रहे हैं, कहा है ये 70 साल से विभाजन की सोच जो थी वो खत्म नहीं होगी और ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीतती आई। दक्षिण के लोग उत्तर भारत से कितना प्रेम करते हैं या उत्तर के भारत के लोग और दक्षिण भारत कितने मिले जुले हैं, ये भावना ये भाषा किसी भी नेता की नहीं होनी चाहिए। पूरा देश एक है, जो कोई भी इस तरह की बात कर रहा है वो मैं समझता हूँ वो भारत को नहीं समझता।